जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक से एक घर में आग लग गई, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। आग लगते ही चीख पुकार होने लगी, लोग आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे आग और भी भीषण होती गई। दो मंजिला बना मकान पूरी तरीके से आग के आगोश में समा गया। आग की लपटों को देखकर लोग दहशत में नजर आए और इधर उधर भागने लगे, तो वहीं मदद के लिए आवाज लगाने लगे। काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया था। फिलहाल आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। उधर राजस्थान में ठंड ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीती रात वहां के 3 शहरों का तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया, जिसके बाद वहां लोग ठंड से ठिठुरने लगे। वहीं मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटे में तापमान 2 डिग्री तक गिरने का अलर्ट जारी किया गया। बताया गया कि अगले एक हफ्ते तक प्रदेश में सर्द हवाओं का असर रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। इस बीच तेलंगाना के कांग्रेस नेता और 4 बार विधायक रहे शशिधर रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई है। शशिधर रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वो कांग्रेस से 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं।